चलिए एक और डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से डिज़ाइन डाला हुआ है, इस पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो डिज़ाइन साइड में डाला है ये किस तरीके से डालेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। हार्डली चार चार फंदों का डिज़ाइन है जिसे आपने मल्टीपल करते हुए जाना है। आप देखिएगा डालेंगे किस तरीके से इस डिज़ाइन को। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला फंदा मैं उतारूँगी और दो फंदे मैं उल्टे बनाऊँगी, एक और एक दो, ये हमारी पहली लाइन है। धागा आपने आगे किया, अब ये जो फंदा है इसके साथ में आपने ऐसे डालना है, ये डाला आपने और इस तरीके से फंदा निकाल लेना है। फिर इस धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर अगेन इसी में से डालेंगे और निकाल लेंगे, यानी कि हमने इस एक फंदे का तीन फंदे यहाँ पे कर लिए। अब धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, ये देखिए अगेन धागा आगे। अब ये जो फंदा है इसके सेंटर में से ऐसे डालना है, फिर एक फंदा आपने ऐसे निकालना है। अब इस धागे को आपने ऐसे लपेटना है, अगेन इसी के अंदर ये जो फंदा है इसमें आपने ऐसे डालना है और ऐसे बना के निकाल लेना है। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा आगे करेंगे, ये देखेंगे इसमें डालना, ऐसे निकाला, फिर धागे को लपेटा, फिर इसमें डाला, फिर बना लिया, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब आप इसी तरीके से इसको जो है करते हुए जाएंगे। देखिए तीन फंदे उल्टे हो गए, फिर वही ये डाला आपने, ऐसे ये लपेटा, अगेन बनाया, और फिर लास्ट में आपके पास दो फंदे उल्टे होंगे और ये हमारा लास्ट का फंदा। अब आ जाते हैं उल्टी लाइन पे। अब देखिए उल्टी लाइन पे आपने किस तरीके से करना है, पहला फंदा उतारेंगे। अब ये फंदे हमें दो सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें आपने ऐसे सीधा ही बनाना है, देखिए दो सीधे इस तरीके से, और उसके बाद ये तीन फंदे जो हमने ऐसे किए थे इसे आपने उल्टा बनाना है, एक दो तीन, धागा आगे, ये तीन सीधे बनेंगे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, ये तीन उल्टे बनेंगे, एक दो तीन, फिर धागा आगे, तीन सीधे, जो जैसा आपको उल्टी तरफ में दिख रहा है आपने उसे वैसा ही उल्टी लाइन में बनाना है, तीन उल्टे फिर तीन सीधे, तीन उल्टे। अब यहाँ पे दो सीधे होंगे और एक लास्ट का फंदा हमारा उल्टा होगा, ये हो गया आपका। अब देखिएगा किस तरीके से इसकी थर्ड लाइन हम करेंगे, ये आ गया अभी आपका इस तरीके से। अब थर्ड लाइन जो करनी है उसमें पहला फंदा उतारा, एक फंदा पहला वाला उल्टा बुना, फिर धागा आगे किया आपने। अब ये जो दो फंदे आपको दिख रहे हैं इन्हें आपने दो का एक करना है, ऐसे ये किया, फिर एक फंदा बनाना है, फिर ये एक फंदा और ये दो का एक करना है, पर ऐसे उतार के इसे सीधा कीजिएगा फंदे को, फिर बैक साइड से डाल के इसे दो का एक करेंगे, अगेन एक फंदा उल्टा, फिर वही इन दो को आपने दो का एक करना है, फिर एक फंदा सीधा बनाना है, फिर इसे उतार के सीधा करेंगे और इन दो को दो का एक करेंगे बैक साइड से, अगेन एक फंदा उल्टा, फिर ये दो फंदे दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर इसे उतार के दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से जो है करनी है, देखेंगे ये ऐसे, फिर एक उल्टा और ये लास्ट का। अब आ जाते हैं फोर्थ लाइन पे, जो हमारी लास्ट लाइन है। पहला उतारा आपने, धागा आगे किया, ये वाला फंदा एक सीधा, तीन उल्टे, एक दो तीन, अगेन एक सीधा, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, तीन उल्टे, एक दो तीन, पूरी लाइन ऐसे ही एक सीधा और तीन उल्टे होंगे आपके।
ये देखिएगा, ये आपका जस्ट इन चार लाइंस में इस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये करते हुए जब आप ये चार लाइंस जाएंगे तो आपका जो ये डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बहुत इजी और बहुत जल्दी चढ़ जाता है। बस इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको कि धागा जो है ज़्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से जिसमें भी आप ये डालेंगे धागे का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा धागा लाएंगे। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।